इंस्पेक्टर मोजा चीते गिरफ्तार से कहाँ जा रहे हैं? चलो पता करते हैं। चाचा जी, आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, कहिए क्या बात है दरोगा जी। एक मिनट, आपको एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए इस बिल्डिंग में जाना है। पर ये हाईटेक बिल्डिंग है कहाँ? कर रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा। मुझे पता है, उस तरफ से चलते हैं। सरदार, एक आइडिया है, फोन में रिकॉर्ड करते हैं। किचन धमाका। चाचा जी, इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक डॉन ने एक पेन ड्राइव छुपा रखी है। उस पेन ड्राइव में सारे क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन है। समझ गया। आज रात को ही ये काम करना होगा। आप चिंता मत करो इंस्पेक्टर जी, हम वो पेन ड्राइव लेकर आएंगे। अगर वो पेन ड्राइव मैं इंस्पेक्टर मोजा को दे दूंगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी। फिर हम कभी जेल नहीं जाएंगे। सही कहा उठक, किसी भी हालत में वो पेन ड्राइव उस मुच्छर चाचा के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तैयारी करो। ये क्या कर रहे हो? सरदार, रात को जागना है ना, तो अभी सो लेते हैं। आप जरा लाइट ऑफ कर देंगे? किचक धमाका। अरे, ये सब रास्ते के बीच? चाचा जी, मैं हूँ ना। शाबाश साबू, डग डग, चलो जल्दी। इसे भी रोड पे डाल दो। किचक धमाका। अरे साबू, लगता है कोई हमारा रास्ता रोकना चाहता है। क्या बात है रॉकेट? अच्छा, इसके पीछे धमाका है। लेकिन धमाका ये सब क्यों करेगा? पता नहीं, लेकिन हमें बिल्डिंग पर जल्दी पहुंचना है। हमें डबडक को यहीं छोड़ना होगा। चाचा जी, लेकिन हम बिल्डिंग तक कैसे पहुंचेंगे? पप्पू के टर्बो बूस्टर्स की मदद से। सॉरी डगडग, हम तुम्हें वापस लेने जरूर आएंगे। साबू, जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। ये चाचा जी भी कैसे कैसे आइडियाज लेके आते हैं। हुँ 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 हुँ।
ये तो आसमान को छू रही है। कुछ तो गड़बड़ है, इतने बड़े डॉन का अड्डा है ये बिल्डिंग और एक भी गार्ड नहीं। साबू, इस बिल्डिंग में लेजर टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी है, हमें इससे बचकर जाना है। हाँ साबू, हट जाओ। आगे जाने का एक ही तरीका है। वाह चाचा जी, सो रहे हैं। यूनिफॉर्म, किसी ने इनको सुलाया है। रॉकेट का शक सही था। साबू जल्दी, दूसरी कोई लिफ्ट नहीं है, हमें धमाका से पहले ऊपर पहुंचना होगा। लेकिन कैसे? बाहर से। साबू, फॉर्मूला नंबर 555। जी चाचा जी। साबू आराम से, आवाज मत करो। सॉरी चाचा जी। दरवाजा मजबूत है साबू, अभी तो आवाज होगी ही। मुच्छड़ चाचा। अरे ये तो भूल भुलैया है। चाचा जी, कौन से रूम के अंदर है पेन ड्राइव? मैं सोच रहा हूँ साबू, तब तक तुम इन्हें संभालो। कर रहा हूँ। ये दम गहरे, इन्हें उठाओ, मेरी तो चपाती बन गई। चपाती नहीं सरदार, पापड़ कहो, पापड़। यहाँ तो कुछ भी नहीं है चाचा जी, ना कोई तिजोरी, ना कोई पेन ड्राइव। मुझ खेज दिमाग का पेंच, चटकटा का। पेन ड्राइव मिल गया। मुच्छर चाचा, पेन ड्राइव और पेन अलग होते हैं। हुई 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 हुई। अरे वाह चाचा जी, आपको पता कब चला? हम अक्सर हमारे सामने वाली चीजों को ही अनदेखा कर देते हैं। रूम के बाहर और अंदर तो सब लोगों ने देख लिया, फिर एक ही जगह बचती है जहां हमने नहीं देखा, दरवाजा। मैंने सभी दरवाजे खटखटा के देखे, सिर्फ एक ही था जिसमें अलग सी आवाज आ रही थी, और वहीं से पेन ड्राइव मिला। क्या बात है चाचा जी, जवाब नहीं है आपका।
उछड़ चाचा। शुक्रिया चाचा जी, आपके बिना ये क्रिमिनल्स कभी नहीं पकड़े जाते। भाग रहे। तुमने चाचा जी के काम में मुश्किलें डाली हैं, इसीलिए तुम्हें भी हवालात की हवा खानी पड़ेगी। चलो। चोरों को पकड़ने के लिए चोरों जैसा सोचना जरूरी होता है। बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। सरदार, इस बंदूक को नहला क्यों रहे हो? ना समझो, मैं इसे इस डिटर्जेंट से धो रहा हूँ। मेयर को खुश करने के लिए उनको मेरी पसंदीदा गन गिफ्ट कर रहा हूँ। आप कितने बुद्धू हो? मेरा मतलब है बुद्धिमान हो। मैंने तुम लोगों को पता लगाने को बोला था कि मेयर को क्या पसंद है, और अभी तक कुछ जानकारी नहीं। सरकार, मेयर साहब को गाजर का अचार बहुत पसंद है। गाजर? और कुछ? सरदार, मेयर साहब को अपना एक स्टैचू बनाना है। स्टैचू बनाने के लिए पैसे लगते हैं। सरदार सुनो, कल मेयर भाषण में बोले थे कि उनको जानवरों को जू में बांध करके रखना अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? अगर हम जानवरों को खुला छोड़ेंगे तो खुश हो जाएंगे। लाइन याद है ना? जाओ। रुको वहाँ। किचक धमाका। अब मेयर साहब मेरे काम से खुश हो ही जाएंगे। किचक धमाका। ये साबू सुबह सुबह किचन में? ये क्या? चाचा जी, ये सब? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? रॉकेट, बाहर देखो। Oh!
चिड़ियाघर के जानवर बाहर कैसे आ गए? साबू, फॉर्मूला नंबर 555। तुम सब अपने बच्चों को लेकर शहर के कम्युनिटी हॉल में जाओ और वहाँ सुरक्षित रहो। हम तब तक इन जानवरों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है चाचा जी। ठीक है चाचा जी। जानवरों को बंद रखना मेयर को पसंद नहीं है। इसे एक धमाका। क्या करें चाचा जी? हम इन जानवरों को इनकी कमजोरी से पकड़ेंगे। मतलब? हाँ? भगवान, जल्दी से शहद लेकर आओ। शहद भालू की कमजोरी होती है। ओह, अच्छा अच्छा, अभी लाई। हाँ। ये लो जी। है? इतने से कुछ नहीं होगा। साबू, मुझे ऊपर उठाओ। बाबू, उस भालू की तरफ चलो। ए भालू, शहद खाओगे? आजा मेरे दोस्त, आजा आजा। साबू और तेज। रुको साबू। ये रहा तुम्हारा शहद। धन्यवाद चाचा जी। तुम्हारी पोगो स्टिक यूज करो। ओके चाचा जी। और चाचा जी ने भालू, हाथी, जिराफ, जीब्रा, कंगारू सबको अपने दिमाग से पकड़ लिया है। अब बस गेंडा और तेंदुआ बचा है। आप देखते रहिए। ये गेंडा तो बहुत ही गुस्सैल है, अब इसे कैसे पकड़ेंगे? साबू, तुम बहुत सारा पानी लेकर आओ और भगवान, तुम उस गेंडे को प्लेग्राउंड की तरफ ले जाओ। क्या? मैं क्यों? क्योंकि तुम अचरजगंज की बहादुर चाची हो। नहीं। ताता दीना, चौधरी जी बचाइए। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। साबू, तुम कीचड़ बनाओ, मैं अभी आया। साबू, कीचड़ डाल दो। जी ने गेंडे को कीचड़ में डुबो दिया। अब सिर्फ बचा है वो खतरनाक तेंदुआ। तेंदुआ? अरे बाप रे। साबू, फॉर्मूला नंबर 188। तेंदुआ मुझसे लुका छुपी खेल रहा है। आ रहा है।
उसे पता चल गया कि वो नकली बकरी है। अब क्या? मुझे पेंच दिमाग का पेंच। बढ़िया पप्पू। हाँ, ये कैसे हुआ? मैंने पप्पू के होलोग्राम मशीन से तेंदुए को चकमा दे दिया। चटपटाका। ये क्या बात है चाचा जी? क्या बात है? चाचा जी, आपने तो अच्छा किया। इन जानवरों का असली घर तो पहाड़ों और जंगलों में है। मेयर साहब, ये आइडिया तो मेरा था। क्या आप मेरे काम से खुश हैं? कैसे धमाका? धमाका? तुमने सबकी जान खतरे में डाली, इसलिए तुम्हें पिंजरे में रखा जाएगा। क्या? धमाका, आधा ज्ञान खतरनाक होता है। तुमने आधी बात सुनी और ये सब हुआ। दोस्तों, ये पृथ्वी जितनी हमारी है उतनी ही इन बेजुबान जानवरों की भी है। उनसे हमेशा प्यार करो, बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। तो रॉकेट साबू क्रिकेट के लिए तैयार? बिल्कुल चाचा जी। चलो पप्पू को भी बुलाते हैं। ओफो, दाए, अब बाए, जल्दी। हाँ, अरे पप्पू संभाल के। पप्पू ये मिल गई एलिफेंट रूबी, कचिंग प्लग इन करके। एलिफेंट रूबी। ओह साबू, चाचा जी आप कब आए? आए तो तुम हो पप्पू, वो भी गिरते गिरते। गेम खेलते खेलते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बाहर आ गया। कौन सा गेम? ये वाला, मनी मैन। इस नए गेम में खिलाड़ी को अपनी असली दुनिया में चलते चलते छिपी हुई वर्चुअल चीजें ढूंढनी है। जैसे कि ये रूबी, जिसे मैं अब करूंगा क्लिक। और मुझे मिले 1000 सोने की कॉइन, है ना मजेदार? काफी। तो तुम जितनी चीजें ढूंढोगे उतने कॉइन जीतोगे? हाँ, और जब हम 20,000 कॉइन जीतते हैं तो हमें गेम में असली पैसे मिलते हैं, जिससे हम अगला लेवल खेल सके। मेरे सारे दोस्त भी इस गेम को पसंद करते हैं। अच्छा सुनो, हम सब क्रिकेट खेलने की सोच रहे थे, खेलना चाहोगे? वो चाचा जी नहीं, अगर मैंने 10 और चीजें ढूंढी तो मैं लेवल 5 का एक्सपर्ट हो जाऊंगा, तो सॉरी। कोई बात नहीं, फिर कभी। अपना ख्याल रख। मूड तो मेरा भी नहीं रहा रॉकेट, चलो बाजार होके आते हैं। अरे देख के चलो। हाँ, मनी मैन लेवल 3 में आ गई। कुछ तो खा ले गुल्लू, बस ये मनी मैन ही खेलता रहेगा क्या? भूख नहीं है मम्मी। अरे बंटी, गेम खेलते खेलते गड्ढे में गिरे और एक हाथ का फ्रैक्चर हो गया, अब तो बस करो। बस थोड़ी देर और प्लीज। हे
हैप्पी बर्थडे मोजा, हैप्पी बर्थडे मोजा। पहला केक पीस गुड़िया के लिए। पापा को विश नहीं करोगी? उसे जरूरी है मनी मैन जीतना। हाँ 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 आज खाने में कल की दाल है बस। क्यों चाची? अरे वो मिसेस रस्तोगी बड़ी दुखी थी कि उनका बेटा चिंटू एग्जाम में फेल हो गया। उन्हें समझाते समझाते सब्जी लाना भूल गई। पर चिंटू तो मेहनती लड़का है। हाँ आजकल वो सारी मेहनत मोबाइल के किसी गेम पर लगा रहा है। क्या नाम था उसका? मनी मैन। हाँ वही। चाची के लिए सब्जी ताजी सब्जी लूंगा। अरे जल्दी चलो। अरे लाइन में पहले मैं थी। हाँ, चश्मे की दुकान के आगे इतनी लंबी लाइन। प्यारे बच्चों और उनके प्यारे पापा मम्मियों, क्या खेल रहे हैं आपके बच्चे ज्यादा गेम? हर वक्त है उनकी नजर मोबाइल पर गड़ी। तो हो जाइए होशियार और उनके आँखों के लिए खबरदार, खरीदिए धमाका स्पेशल एंटी चमक चश्मा, 25% छूट मिलेगा ना ऐसा ऑफर पटाका कि जग धमाका। हाँ, धमाका की दुकान है ये। मेरे बेटे के लिए चश्मा, मेरे जुड़वा बच्चों के लिए दो। ओ पापे 80 भी चाहिए। वाह सरदार, 2% के प्लास्टिक चश्मे पर पब्लिक 100% भरोसा कर बैठी। हम तो माला माल हो जाएंगे। तू जल्दी से बैठक को बोल बच्चों को कूपन बांटने के लिए। ओके सरदार। ये लो खास मनी मैन के लिए फ्री कूपन। खेलते रहना ठीक है, कुछ भी हो जाए मनी मैन छोड़ना नहीं। ये ठीक है अंकल। थैंक यू अंकल। ये बदमाश इन बच्चों की गेम की आदत का गलत फायदा उठा रहे हैं। आप कहे तो अभी इस धमाका सिंह को दुकान समेत शहर के बाहर फेंक दूं चाचा जी। नहीं साबू, उससे बच्चों की आदत थोड़ी ना बदलेगी। असली उलझन तो ये है कि उनकी इस मनी मैन की आदत को कैसे छुड़वाएं। तो क्या करें? वही तो मैं सोच रहा हूँ साबू। मूंछ खेंच दिमाग का पेंच, चटकटा खा, आया सोच में स्वैग। हेलो मेयर साहब, एक मदद चाहिए थी। क्या हुआ पप्पू? सर दर्द कर रहा है चाचा जी, लगता है चश्मा बदलना पड़ेगा। अरे उसके बदले जरा मोबाइल ऑफ करो और आओ बाहर कुछ देर खुले में खेलो और टहलो। ठीक है। अरे रुको। कितना अच्छा लग रहा है, सर दर्द गायब। थैंक यू चाचा जी, मनी मैन से मुझे निकलवा के असली दुनिया में वापस लाने के लिए। थैंक यू के बदले तुमसे कुछ मदद चाहिए थी पप्पू। मेरे प्यारे दोस्तों, शुक्रिया आज के इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। आज हमारे जाने माने चाचा चौधरी ने आयोजन किया है एक खास पारिवारिक खेल का, एक ऐसी गेम जो खेलेगी पूरी फैमिली। गेम खेल
जाएगा इस खास साइकिल पे, जिस पर एक से चार फैमिली के सदस्य बैठ सकते हैं। अरे वाह क्या बात है, देखो तो। तो दोस्तों, हर फैमिली को मिलके चलानी है साइकिल। वो जितना चलाएंगे उतने ही किलोमीटर की गिनती होगी कंप्यूटर पर, और उतना होगा उनका स्कोर। जिस परिवार का होगा सबसे बड़ा स्कोर वो जीतेगा एक मेगा प्राइज। तो आइए उठाइए साथ में गेम खेलने का आनंद और जीतिए इनाम। अरे वाह क्या बात है। वाह वाह। और रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है अब। साइकिलिंग चैलेंज में पहले हिस्सा ले रहे हैं मिस्टर शिंदे, पर अकेले। ओ मिसेस शिंदे उनका हौसला बढ़ाती हुई, वाह क्या बात है। और अब शिंदे जी को टक्कर देने आ गए हैं मिस्टर राव। अरे वाह ये क्या, मिसेस राव भी शामिल। आहा आहा, बड़ा स्कोर बन रहा है राव फैमिली का। आहा, तो और परिवार ले रहे हैं हिस्सा, पर उनके बच्चे नहीं दिख रहे हैं साथ। ओहो चौधरी जी, बच्चे तो अब भी मनी मैन पर अटके हैं। घबराओ मत भगवान, बस देखती जाओ। मेहरा, शिंदे, राव, शुक्ला और संघवी परिवार सारे लगा रहे हैं जोर। स्कोर धीरे धीरे बराबरी पे आ रहे। कौन सा परिवार दिखाएगा दम और जीत जाएगा मेगा प्राइज और जाएगा कार्टून लैंड। जी हाँ, जीतने वाला परिवार जाएगा एक साथ चार दिन और तीन रात के लिए कार्टून लैंड। पापा मैं मदद करता हूँ। अरे वाह, शिंदे परिवार का बढ़ रहा स्कोर। अरे हमें भी जाना है। मुझे भी जाना है। क्या बात है, देखिए इन बच्चों की मेहनत कैसे कर रहे हैं अपने माँ बाप की मदद। बढ़िया पापा, चलिए ना हम भी साइकिल चलाते हैं। देखो ना वो सब कितना मजा कर रहे हैं। चलो। हर परिवार में बहती खुशी, नंबर वन है मेरे चौधरी जी। उस मुच्छड़ चाचा ने करवा दी मेरी दुकान बंद। छोड़िए सरदार, दीजिए अपना मोबाइल। ये लो, पर किस लिए? सोचा मनी मैन खेल लूंगा चश्मा पहन के। बैठे बैठे मोबाइल या कंप्यूटर पर खेलते रहोगे तो आलसी बन जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। बाहर खुले में खेलो कूदो और रहो सेहतमंद और खुश। बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। लेडीज और वीआईपीज, आज आपके सामने प्रस्तुत होगा एक अलग किस्म का नाटक जिसमें ऑडियंस भी होगी शामिल। और अब शुरू होता है ड्रामा धमाका। वॉकिंग कर लेता हूँ थोड़ा। वॉकिंग क्यों जब फ्लाई कर सकते। एलियन नमस्ते। अरे ये कौन है, ये नाटक का हिस्सा कब बन गया? ये आवाज सुनने सी है। हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंसान चाहिए, इसीलिए हम आए हैं किडनैप करने तुम्हें। ये क्या बके जा रहे हो बेवकूफ, ये हमारा नाटक नहीं है। इंटरैक्टिव नाटक है ना। चलो चलो करो करो। चलो चुपचाप। नाटक है। कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी चलो। धमाका सिंह, धमाका सिंह, किचक धमाका लस्सी। अरे नहीं साबू, मत पियो उसे। ये चक धमाका। आ, आ,
सरदार सरदार भागो इतना धमाका है अरे ये मिशन मैन है कौन आखिरी वक्त पे आके बचा लिया नहीं 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 साबू के बिना धमाका को हराना काफी मुश्किल था तो मैंने तुरंत पप्पू की मदद से ट्रांसफॉर्मर सूट मंगवाया चटकटाका हुई 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 क्योंकि धमाका को बल से नहीं बुद्धि से हराने की जरूरत थी हे फिर पूरे ट्रांसफॉर्मर चाचा